जय हिंद साथियों, अब हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। और आपसे बता दें, बीएससी सीजीएल अभ्यर्थी बहुत सारा ये मैसेज लगातार व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं, तो मैं उन सभी अभ्यर्थी को बता दूं कि आप लगातार जो मेरे पास ये मैसेज भेज रहे हैं, इस पर मैं वीडियो तो बना दे रहा हूँ, लेकिन आप भी जानते हैं कि आप अपने हक के लिए यदि आप आगे नहीं आते हैं तो कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। इस बात को आप समझें। जो भी अभ्यर्थी हैं उनको इस बात को जानना चाहिए कि जब आप बड़ी संख्या में थे तो बहुत लोग आपके आगे पीछे करते थे, बहुत लोग आपका साथ देते थे, लेकिन जब आपके पास आज संख्या नहीं है तो कोई आपको साथ देने वाला नहीं है। आप भी जानते हैं कि जब आप बच्चे रहे होंगे, छोटे रहे होंगे, जब तक आप रोइएगा नहीं तब तक मम्मी भी दूध नहीं पिलाती है, तो जब तक आप संख्या बल नहीं दिखाइएगा तब तक आपको कोई साथ देने वाला नहीं है। इस बात को आप समझ लें। अभी मैं लगातार सीटेट अभ्यर्थियों के साथ देख रहा हूं कि उनके पास कोई लीडर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फिर भी वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। उनसे आप लोगों को सीख लेना चाहिए। वो अभ्यर्थी इतना मेहनत कर रहे हैं, और मैं बता दूं इस समय और हमेशा वह सुबह 6 बजे 7 बजे निकलते हैं, रात के 11 बजे 12 बजे तक आते हैं, लगातार अपनी बातों को रखते हैं, कई एक मंत्री से मिलते हैं, इवन बार बार उप मुख्यमंत्री से मिलते हैं, अपने बातों को कहते हैं, और उनकी बहुत मेहनत है। अब उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, लगातार उनके साथ आ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, ये मैसेज करने से, ये मैसेज जब मैं पढ़ा तो मैं भावुक हो गया, और आप लोग जिनको भी भेज रहे होंगे उनको ज़रूर इस बात से लगता होगा। मैं मैसेज पढ़ा तो बहुत मुझे भावुक कर दिया ये मैसेज, तो मैं सोचा इस पर एक वीडियो बना दूँ। और आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर इस पर वीडियो बनाइए, तो उन सभी अभ्यर्थी देखें ये क्या है, कैसे है। बीएससी तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा 2022 में रिजल्ट में गड़बड़ी के संबंध में, महाशय हमें यह बताते हुए अत्यंत दुख हो रहा है, खुद पे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आखिर कब तक योग्य अभ्यर्थी सिस्टम के प्रति, आयोग के प्रति, सरकार के पांव के तले दबते रहेंगे, कुचलते रहेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है, इस प्रतियोगी परीक्षा में धांधली हुई थी, पेपर लीक हुआ था, अभ्यर्थी द्वारा दबाव बनाने पर एग्जाम को रद्द भी किया गया था, लेकिन सिर्फ एक शिफ्ट बाकी बचे दो पालियों को रद्द नहीं किया गया था, जबकि पेपर उसका भी लीक हुआ था। इसके खिलाफ शुरू से ही आवाज़ उठाते आ रहे हैं, फिर भी आयोग चुप रहा। इस मुद्दे को लेकर उच्च न्यायालय में केस भी दायर है। महाशय, आयोग 31 मई को इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया, जो कि किसी भी तरीके से सही नहीं है। इसमें कोई पारदर्शिता नहीं दिख रहा है, न इसमें ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी दिया गया, न ही प्रश्न पत्र दिया गया है, न ही आंसर की दिया गया है, और न ही सभी अभ्यर्थियों का मार्क्स जारी किया गया है। ऊपर से जब आयोग को एग्जाम लेना था तो वह सभी आगे देखिए, चूँकि ये लगातार मैसेज था तो मैं इसका अभ्यर्थियों के यहाँ पे देखिएगा क्या है कैसे, नहीं प्रश्न पत्र दिया गया है, नहीं आंसर की दिया गया है, नहीं सभी अभ्यर्थियों का मार्क्स जारी किया गया है। ऊपर से जब आयोग को एग्जाम लेना था तो वह सभी अभ्यर्थी को बराबर बराबर की संख्या में तीनों शिफ्ट में बांट दिया गया। यानी कि इस अभ्यर्थी लोगों का कहना है कि जब आपको एग्जाम लेना था तो टोटल जो फॉर्म आया था उसके अनुपात में आप बांट दिए थे, 3 शिफ्ट में एग्जाम था तो 3 इक्वल पार्ट में आप बांट दिए थे, लेकिन जब आपको रिजल्ट देने की बात आई तो 3 इक्वल पार्ट में न देकर किसी में ज़्यादा, किसी में कम, किसी में सबसे कम दिए। ये कहाँ तक जायज है, ये अभ्यर्थी आपसे पूछ रहे हैं। तो मैं बता दूं, जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखेंगे, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री से, बीएससी आयोग के अध्यक्ष सचिव से, सभी से विनती करूंगा कि ये जो बच्चे का बात है इस पर आप जरूर संज्ञान लें, और इसके बारे में जरूर आप बताएं कि जब तीनों शिफ्ट में आप इक्वल एग्जाम लिए थे, एक तरीका से एग्जाम लिए थे, तो थर्ड शिफ्ट यानी कि जो एग्जाम कैंसिल हुआ था, यानी कि 5 मार्च को हुआ था, उसमें आपका रिजल्ट क्यों कम दिया गया, अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं, अभ्यर्थी ये जानना चाह रहे हैं। अभ्यर्थी का साफ कहना है कि यदि मान लेते हैं कि अभी आप उस समय आंसर की हमको, उस समय आप हमको प्रश्न पत्र ले जाने नहीं दिए, अभी भी समय है, यदि आप चाहें पारदर्शिता दिखाने के लिए तो नेट पर उसको अपने साइट पर अपलोड कर दें, आंसर की अपलोड कर दें, हम लोग मार्क्स मिला लें। जिस तरीका से रेलवे वगैरह का एग्जाम जो होता है उसमें दिया जाता है कि रॉ मार्क्स आपका इतना है, नॉर्मलाइज मार्क्स आपका इतना है, टोटल आप सही इतना किए, सभी अभ्यर्थी को बताया जाता है, जबकि करोड़ों में अभ्यर्थी होते हैं, यहाँ तो लाख में अभ्यर्थी है, और सिस्टम यहाँ से
कहाँ पहुँच गया, और बच्चे अभी तक ये नहीं जान पाते हैं कि वह कितना सही किया कितना गलत किया, उनका कितना मार्क्स आ रहा है, ये भी जानना चाहते हैं। यदि UPSC BPSC या कोई भी एग्जाम होता है तो ये अभ्यर्थी का जानने का हक होता है, जो पास करते हैं उनको भी कितना अंक है, जो फेल करते हैं उनको भी कितना अंक है, ताकि वह मिला लें कि कितना अंक से फेल हैं, आगे भविष्य में हमको कितना अंक और लाना होगा। जो पास करते हैं वो सोचते हैं कि मैं इस बार फलना पद पर गया, आगे मुझे अगला IAS चाहिए या दूसरा पद चाहिए, तो उसके लिए मुझे कितना मेहनत करना पड़ेगा, मुझे टॉप होने के लिए कितना मेहनत करने का। लेकिन BSSC में ऐसा यदि आप सोचते हैं तो ये आपका सोच से परे हैं, आप पास हैं, बस पास हैं, आपको टॉप करने के लिए अगर मेहनत करना है तो ये आपको नहीं बताया जाएगा कि कितना अंक आपका आ रहा है, आपको ये कभी नहीं बताया जाएगा कि आप फेल किए तो कितना अंकों से फेल किए। ये मेरा कहना सब बात नहीं है, ये जो आयोग करती है और जो BSSC अभ्यर्थी जो एग्जाम दिए जो आरोप लगाए हैं, ये दोनों का मैं बात रख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इतना अंतर क्यों रिजल्ट में, जिस परीक्षा को रद्द करके पुनः लिया गया उसमें मात्र 2600 बच्चे को ही रिजल्ट दिया गया, बाकी दो शिफ्टों में 4000 और 4500 क्यों, आखिर सरकार क्यों चुप है, क्यों नहीं कुछ बोल रहा है, आयोग को पुनः संशोधित रिजल्ट करना चाहिए, 10 गुना रिजल्ट देना चाहिए, तीनों शिफ्ट में बराबर रिजल्ट की संख्या में देना चाहिए, चुन चुन कर रिजल्ट नहीं। ये अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि चुन चुन कर रिजल्ट दिया गया है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया करके हमारी मदद कीजिए, बहुत उम्मीद है हमें आपसे इस सराहनीय कार्य के लिए, हम सभी आपका सदा ऋणी रहेंगे। ये अभ्यर्थी मुझे लगातार भेज रहे हैं, और मैं एक बात बता दूं, ये मेरा दिल हमेशा दहल जाता है जो अभ्यर्थी के साथ अन्याय होता है, क्योंकि मैं जब से भी जो ये काम करता हूँ किसी भी क्षेत्र में, वह अभ्यर्थी के प्रति मैं हमेशा सजग रहता हूँ ताकि अभ्यर्थी को न्याय मिल सके। तो मैं सभी अभ्यर्थी से एक ही बात कहूँगा कि आप सीटेट अभ्यर्थी से सीख लें, आप में भी यदि वो क्षमता दिखता है, आप भी अपना बात को रख सकते हैं, आप भी जाकर मिल सकते हैं, तो ज़रूर मिले, आपको न्याय मिलेगा, क्योंकि सरकार न्याय देगी, आयोग न्याय देगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, आप अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़ें, तब देखिएगा उस समय जब आप अपने हक की लड़ाई में आगे बढ़िएगा, 4 कदम 10 कदम आगे बढ़िएगा, जब लगेगा कि हाँ अब इसको न्याय मिलना है, तो आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और आपका सहयोग करेंगे, लेकिन पहले आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसमें किसी भी प्रकार का किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए, जो भी मैं बात बोलता हूँ मैं सच्चाई बोलने का प्रयास करता हूँ, मेरे से भी यदि किसी प्रकार की कोई कमी हो या कोई बात गलती लग जाए, आपको दुख दिल पर लगे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और मेरे में क्या सुधार होना चाहिए, एग्जाम टूर में क्या सुधार करें, ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।